तो फ्रेंड्स हमारे मोमोज ऑलमोस्ट हो चुके हैं तैयार। आप देख सकते हो कितने सही लग रहे हैं कोदे के बने हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन बहुत ही सुहाना है यार। बाहर का मौसम इतना शानदार हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखो हवा इतनी तेज चल रही ना यहाँ पर कि ना ही पूछो। ये देखो बाहर का मौसम यार, क्या शानदार मौसम हो रहा है। और ये देखो अपना इंडियन फ्लैग क्या शानदार लहरा रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। तो बस यही है यार। और अभी बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, और उसके बाद रहेगा मामला ये कि मैं बनाने वाला हूँ आज मोमोज। और ये बच्चे दोनों देखो कितने खुश हैं, वो जा रही है ट्यूशन और ये मोमोज के नाम पे खुश है। लेकिन इसको थोड़ा सा यार बुखार तो नहीं, जुखाम हो रहा है इसको। बुखार जुखाम दोनों ही है। वाह, हवा देख रहे हो कितनी प्यारी हवा चल रही है ना सेजल, मस्त हवा चल रही है। तो ठीक है, जब तक तू आएगी तब तक होपफुली मोमोज शायद बन ही जाए, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे सब्जियाँ रख ली हैं, तो ये सारी सब्जियाँ काटेंगे। और पहले मैंने सोचा था यार कि मैं कुरकुरे मोमोज बनाऊँ, बाय बाय तो कुरकुरे मोमोज बनाऊँ, लेकिन उसके लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें अपने पास हैं नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सारी चॉपिंग वॉपिंग करके रखते हैं, फिर आटे वाले मोमोज बनाएंगे जो कि हेल्दी भी होंगे। तो आटा वाटा सब कुछ करेंगे, तो बने रहना। तो यार मोमोज की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर आ गया है तूफान। ये देखो यार कितनी तेज हवा चल रही है, भयानक भयानक। पता नहीं यार एकदम से ही तेज हवाएं चलने लग गई, क्योंकि मैं मोमोज बना रहा हूँ ना आज, इसलिए तेज हवाएं चलने लग गई। आंधी तूफान बारिश जैसा मौसम है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरी हो चुकी हैं कंप्लीट और कुछ रह रही हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या कंप्लीट हो गया और क्या रह गया है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ किचन में, और सब्जी हमारी सारी कट चुकी है। पत्ता गोभी और गाजर, ये है सोयाबीन का क्रम, ये है आपका प्याज, ये है मिर्च, अदरक और लहसुन। और इसमें मैं इन सबको भूनने वाला हूँ और इनकी एक मसाला तैयार करने वाला हूँ बेसिकली मोमोज के लिए। तो फटाफट से मसाला तैयार करते हैं और फिर उनकी फिलिंग करेंगे और फिर बनाएंगे मोमोज। और साथ में दीप्ति बनाएगी इसकी चटनी, जो रेड वाली चटनी रहती है ना, जो बाजार में आप लोग खाते बड़े चटकारे लेकर के, वो वाली चटनी बनाएगी दीप्ति। तो आरुष की यार थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, उसको हो रहा था जुकाम और वो सो गया अभी यहाँ पर। यार हमने बोला कि सो जा, तो ये यहाँ पर सो गया है। और अब मैं बनाने वाला हूँ मसाला तगड़े पैमाने पर, भयंकर वाला। तो फटाफट से मसाला तैयार करा जाए, क्यों भाई दीप्ति, और तू फटाफट से वो तैयार कर दे। तो आज का जो व्लॉग है ना यार, ये पूरा पूरा फूडी व्लॉग होने वाला है और पूरा पूरा ये आज रेसिपी व्लॉग होने वाला है बेसिकली मोमोज की रेसिपी का। तो यही है आज का व्लॉग हमारा, तो बने रहो और देखते रहो कि मैं कैसे कैसे मोमोज बनाता हूँ, एट द एंड कैसे बनते हैं मोमोज और लोग कैसे और हम लोग कैसे चटकारे मार के खाते हैं। और हम बनाएंगे आटे के मोमोज ना कि मैदे के, तो हेल्दी भी होंगे यार ये, बढ़िया। तो यार मसाला हमारा सारा भून चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, और टेक्सचर देखो कितना बढ़िया है। साथ में धनिया भी काट दिया दीप्ति ने, तो और भी ज़्यादा स्वाद आ जाएगा यार इसके बाद। और चटनी के लिए टमाटर अपने इधर निकल चुके हैं, और टमाटर की बनाई जाएगी चटनी, जो कि लाल चटनी दिखती है ना, जो बाजार में बिकती है मस्त वाली, तो वैसी चटनी बनाई जाएगी। और क्या है दीप्ति, इसके अलावा कुछ और भी है क्या? अभी तो सब बहुत कुछ है। नहीं नहीं, इसके बाद फिर हम आटा वाटा का गूंदेंगे और क्या करेंगे? पहले तो चटनी बनने रख देंगे ना। अच्छा, फिर चटनी के लिए पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी। अच्छा, तो अब तू चटनी बनाना शुरू कर रही है, इसको उबालेगी अब टमाटर को। हाँ। तो टमाटर को उबालेंगे पहले और फिर उसको ग्राइंड करेंगे शायद, है ना। और फिर उसमें तड़का मारेंगे, जो भी चीजें उसमें डालनी होंगी ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद तड़का मारेंगे, तो उसके बाद वो स्वादिष्ट हो जाएगी चटनी, बहुत ही बेहतरीन वाली है जी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो ये देखो प्रोसीजर हमारा यहाँ पर शुरू हो चुका है, राइट। तो दिखाएंगे आपको लजीज मोमोज आखिरी में कैसे नजर आते हैं। अभी तो बहुत काम है, अभी काम है, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे उसको भी। आज रात में यही खाओगे और क्या, पांच पांच दस दस पीस मोमो खा लेंगे
क्योंकि उसमें तो बहुत सारे बनेंगे। बाजार में जाओ 60 रुपए के वो 6-8 मोमोज देते हैं, 10 मोमोज देते हैं, वो भी इतने छोटे छोटे। घर में तो बनाएंगे हम पता नहीं कितने सारे, 50 मोमोज, 100 मोमो, इतने बन जाएंगे, इतने तो बन जाएंगे इसमें, इसमें है 60-70 बन जाएंगे। बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत वाला काम है। लेकिन यार देखो, मैं काफी टाइम से लगा हुआ था इसको, सारी चॉपिंग वॉपिंग करी मैंने सब्जियों की सारी, उसके बाद भूना मैंने इसको। अब दीप्ति यहाँ पे इसका चटनी, क्या बोलते हैं इसको, टमाटर की चटनी बोल लो, तो चटनी बना रही है, और फिर उसके बाद आटा गूंदने का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत लेंथी ये टास्क है। तो कभी कभार तो ये लगता है कि यार बाजार में जाओ, 60 रुपए दो, मोमोज खाओ और घर आ जाओ। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ के मोमोज में वो स्वाद नहीं है यार, जो अपने गढ़वाल के उधर मोमोज मिलते हैं ना, जो देहरादून और उस साइड में जो मोमोज मिलते हैं, उनकी बात ही कुछ अलग है। तो यही है, तो अभी चल रहा है यार प्रोसीजर। इसमें कोदा भी मिलाइए क्या? कोदा ही है। अच्छा, तो कोदे के आटे के बनने वाले हैं। कोदे के आटे को क्या बोलते हैं, मंडवे का, मंडवे के आटे के बनने वाले हैं। तो ये और भी हेल्दी है यार, तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी मजेदार रेसिपी के साथ मोमोज तैयार होने वाले हैं। तो आटा गूंदने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू, और इसमें हमने डाला है कोदे का आटा, नॉर्मल आटा और थोड़ा सा सॉल्ट, तो इससे काफी सही रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। और देखो टमाटर और क्या कहते हैं इसको, मिर्च हमारी उबलनी शुरू हो चुकी है, और लहसुन भी डाला गया है इसमें। तो देखो काफी सही लग रहा है ना, मस्त देखने में तो बड़ा सही लग रहा है भाई। तो दिन में दीप्ति ने बनाई थी यार थोड़ी सी सिवाई, और वो इतनी गाढ़ी दूध में बनाई थी ना, कड़ा करके यार मजा आ गया। वो अभी देखो, वो उसको चक के देखता हूँ वो कैसी बनी है यार। ये देख रहे हो टेक्सचर देखो, होय होय मस्त बिल्कुल। तो इसको खा के देखता हूँ यार कैसे बनी है, मेरे तो पानी आ रहा है मुंह में, मोमोज को देख कर के भी और इसको देख करके भी। तो इसको चख के देखते हैं कैसी बनी है। तो यार अभी मैंने ये टेस्ट करी है, तो मिल्क मेड से जो बनती है ना सेवई या खीर, वो भी फेल है यार। इतनी शानदार लग रही है भाई, मजा ही आ गया है भाई, जिंदगी सफल हो गई ऐसा खा के लग रहा है मुझे। तो ये खाते हैं फटाफट, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद यार कॉफी पियेंगे, और कॉफी मशीन अपने पास आ ही चुकी है वंडर शेफ की 15 बार, तो इसमें हम पियेंगे कॉफी और फिर लुत्फ उठाएंगे कॉफी का, क्योंकि यार कॉफी की ना तलब बोल सकते हो एक तरीके से लग रही है, लगती है। तो हमने सोचा था यार इसी वजह से कि हम जो नेस्कैफे के पाउच लाते हैं उसमें वो मज़ा नहीं आता पीने में, तो हम क्यों ना जो हम मार्केट में जा कर के नेस्कैफे कह रहा हूँ, कॉफ़ी डे और बरिस्ता और इस तरीके की जो हम कॉफ़ी पीते हैं, तो उस टाइप की अगर हम एक मशीन ले लें घर पर ही, तो हमें सस्ते में भी पड़ेगी और रीजनेबल भी पड़ेगी और बढ़िया भी पड़ेगी, और घर में ही बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं जब हमारा मन करे। क्योंकि बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट यार 300-400-500 रुपये में एक दो मिलती हैं कॉफ़ियाँ, और यहाँ पर मैंने मंगाया है 375 का 250 ग्राम, तो कोई गिर गया नीचे, तो 375 का 250 ग्राम मंगाया है टकोई का कॉफ़ी, तो उससे मैं बना लेता हूँ, तो यार मेरे को सस्ती पड़ती है काफ़ी, वो तो एनर्जेटिक ड्रिंक है वो मेरे लिए, तो काफ़ी सही रहता है। तो इसके बाद फिर मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तो फ्रेंड्स चटनी की तैयारी हो चुकी है, दीप्ति ने ग्राइंड कर दिया है टमाटर जो कि उबाला गया था यहाँ पर, और अब उसको छौंकने की बारी है। तो यहाँ पर छौंकने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है भैया, और ये है वो टमाटर की प्योरी है ना, हमारे पास वो नहीं थी ना लाल साबुत मिर्च, इसलिए कलर नहीं आया। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो लाल साबुत मिर्च डालते तो उससे ना कलर आ जाता है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कलर से हाँ कोई नहीं, कलर से क्या है, स्वाद होना चाहिए बस। ओ हो खतरनाक था ये तो मामला है, छूटे ना बिल्कुल भी, एक कण भी, हिंदुस्तानी है हम है कि नहीं, किकरान लग गई थोड़ी, किकरान तभी तो मजा हो, बस हो गया, इसको और भी कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें वो डालते हैं, क्या मैंने देखा था सोया सॉस, पता नहीं यार, अरे डाल तो पता नहीं क्या, सही भी लगेगा पता लगा, हम बना दिया ऐसा और बेकार लगे, बढ़िया लगे। चलो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लो है कि नहीं है, सोया सॉस, हाँ सोया सॉस निकाल के देता हूँ यार, फ्रिज में रखा है, ओहो फ्रिज में, ये पीछे काले वाला होता है ना, चलो भाई सही है, देखते हैं इसका स्वाद कैसा रहता है ये डालने के बाद है। यस यस, चलो भैया
देखो बढ़िया तो लग रहा है, आगे देखा जाएगा। मोमोज है मेन, तो मेन मोमोज है, मेन टास्क होता है मोमोज बेलना। और वैसे भी हमने कोदे के आटे के बनाए, कोदे के आटे की रोटी नहीं बनती। हाँ ये बात तो है यार। okay, देखा फाइनल हमें फिर वो मैदे से ही बनाने। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे हम, नहीं बने तो क्यों। हम जो इंद्रापुरम में गए थे कौथिक मेले में, उस वहां पर नहीं खाए थे हमने, खाए थे ना, बने बनाए खाए थे, बनाए नहीं। अरे कोई नहीं, बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, देखते हैं टेंशन क्या। तो अब कॉफी बना रहा हूँ यार, इसमें मैंने कॉफी डाल दी है, इसके अंदर डाली कॉफी, और ये एक इक्विपमेंट बोल लो इसको, जिससे कि हमें कॉफी को प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर ऐसे कॉफी को हम प्रेस करते हैं ऐसे, ठीक है, तो चारों तरफ से अच्छे से, जब ये प्रेस हो जाती है हमारी कॉफी, तो इस कॉफी को फिर हम अपने इस कॉफी मशीन के अंदर नीचे लगाते हैं। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये, और इसको ऐसे करके हम कर देते हैं टाइट। ये हो गई टाइट, अब ये ऑन हो चुकी है, ऑलरेडी मैंने ऑन कर दी थी ये मशीन। तो अब कप मैंने ले रखे हैं, देखो वाइट कलर कितने ट्रांसपेरेंट, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो इसको मैं लगाता हूँ इसके नीचे, और दीप्ति तो ब्लैक कॉफी पीती नहीं है, तो मैं ही कर निकालता हूँ डबल शॉट। तो अब ये 15 बार पे वाटर और एयर प्रेशर के हिसाब से उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी इसको। तो यहाँ दिखा ना, ये देखो ऐसे निकलती है ये कैरेमल के साथ, जबरदस्त वाली, जैसे आप कॉफी डे में, बरिस्ता में और स्टारबक्स में जाके पीते हो, तो वैसी कॉफी घर में बन रही है। तो कॉफ़ी लवर हैं इसलिए मुझे ये पसंद आई, तो मैंने ये मंगाई 15 बार की, जो इससे छोटी भी आती है 5 बार या 4 बार वाली भी आती है, तो उससे एक्सट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने ये वाली मंगाई है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा ये इसमें से जो रेसिड्यू बचता है वो, देखना आप। अब ये कॉफ़ी बन चुकी है, ठीक है, अब मैं इसके बाद इसको निकालूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी सी और मैं इसमें से पानी अपने में डाल लेता हूं थोड़ा, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाती है अगर डबल उसमें निकालते हैं तो। बस भाई बस, रुक जा बस, अब देखो हैं ये कॉफी निकल गई, अब इसको हम रखते हैं यहाँ, अब इसको निकालते हैं। देखो ये, देखो ये इस टाइप से रेसिड्यू इसका बचता है पूरा, ठीक है ना। ये कॉफी थी, कॉफी से एक्सट्रैक्शन हो करके अपनी ये कॉफी निकल चुकी है, बेहतरीन वाली विदेशी कॉफी पीते हैं हम भाई। अब इसमें क्या करना है, अब इसको ना इस वाले बटन को दबा करके अब इसमें से एयर प्रेशर निकलेगा, एयर प्रेशर नहीं नहीं उसको क्या बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसे ही होता है यार, ये एयर प्रेशर है कुछ बोलते हैं, जो फुस, जो नॉर्मल मशीनों से निकलता है फुस फुस करके झाग, फ्रोथिंग बनाने के लिए जो प्रेशर होता है वो। तो इससे थोड़ी सी मैं इसको और गर्म कर लेता हूँ ताकि ये सही रहे, क्योंकि इसमें इतना गर्म हो नहीं पाती है। तो यदि अब ये यहाँ पे रेड हो गया ना, तो अभी आराम से देखो यहाँ से निकलेगा। तो अब देखो ये, देखो ये तेरी मस्त मस्त है। तो अब ये मस्त वाली गरम हो चुकी है, और गरम होने के बाद इसको हल्का सा यहाँ से ना प्रेशर हवा का और निकाल लो ऐसे, ताकि ये साफ हो जाए, इसका नोजल जो है ना वो साफ हो जाए। तो बस अपनी कॉफी हो चुकी तैयार, इसको कर दो बंद, और अब लेते हैं हम कॉफी की चुस्की के मजे। वाइज वाओ नाइस। और देखो एक चीज और दिखाता हूँ, मैंने ये चार फ्लेवर ले रखे हैं अलग अलग, ये अलग अलग चार फ्लेवर हैं, ये वनीला है, ये सिनेमन है, ये हेजलनट है, और ये एस्प्रेसो है। तो ये चार फ्लेवर ये ले रखे हैं मैंने, और एक फ्लेवर मेरा एस्प्रेसो का इसके अंदर है। तो ब्लैक कॉफी मेरी इस वाले से भी काफी अच्छी बनती है, और फ्लेवर्ड पीने का कभी मन करता है तो मैं वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ अलग अलग। तो आज मैं पी रहा हूँ सिनेमन, तो बढ़िया है, कूल। तो सॉरी गाइज, मैंने आप लोगों को डाइवर्ट कर दिया था कॉफ़ी की तरफ, लेकिन अभी मोमोज बनने दोबारा से शुरू हो चुके हैं, और ये देखो बेलना शुरू हो चुका है कोदे का आटा, ये देखो कितना सही लग रहा है, और ये अपना तैयार है पूरा पूरा मसाला और चटनी, और ये बेलना शुरू हो चुका है मामला, और अब मैं इसको भरना शुरू करता हूँ, क्या कहती है ना, भरना शुरू करा जाए। और दीप्ति ने ये खोल दिया है यहाँ से खिड़की, और मस्त हवा आ रही है, और मस्त कपड़े भी सूख रहे हैं अपने। सही, बहुत ही सही, मौसम बढ़िया हो गया यार, लेकिन नहीं, बहुत ही सेक्सी मौसम हो गया, मस्त।
बहुत ही सही में यार, मतलब बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है यार, बहुत ही मजा आ गया। मतलब पंखे की भी जरूरत नहीं लग रही, हमारा अपर ग्राउंड वाला फ्लोर है ना तो बहुत ही ठंडा सा हो रहा है और पंखे की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ से हवा इतनी बढ़िया लग रही है ना, ना ही पूछो, अल्टीमेट। तो मोमोज फिलिंग की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। एक मैंने ये देखो बना भी दिया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और दूसरा मैं ये फिलिंग कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि कैसे बनते हैं यार ये। एक तो प्रॉब्लम ये है ना, ये टूटते बहुत जल्दी हैं, जो ये कोदे के आटे के होते हैं ना, ये देखो यहाँ से वो हो गया। लेकिन चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम इसको बना के ही मानेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे करके जैसे बाजार में होते हैं ना थोड़े, उस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे, तो देखो कैसा रहता है मामला। ये चिपक भी रहा है ज़्यादा यार ये। तो हम ऐसे बनाते हैं। तो इतना सारा हमने अपने को बनाना है, और यहाँ पर ये दीप्ति ने इतने सारे ये गोल दिए हैं, गोल दिए रोटी, तो गोल दिए रोटी, क्योंकि गोल दिख रहा था ना मैंने, तो मैंने बोल दिया इसको गोल दिए रोटी। तो ये गोल दिए हैं रोटी, तो अब इसको हम फटाफट से बनाते हैं और फिर इसको स्टीम करेंगे, राइट? यस। ठीक है, फिर हम इसको स्टीम करेंगे और स्टीम मोमोज खाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मोमोज ऑलमोस्ट हो चुके हैं तैयार। आप देख सकते हो कितने सही लग रहे हैं कोदे के बने हुए, और थोड़ा बहुत अभी मसाला हमारा बाकी बचा हुआ है, उसको भी हम बना लेंगे। तो अभी हमने क्या सोचा है कि जितने बन गए हैं उनको स्टीम करके एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है, और इसमें अब हम इस डब्बे में हम ग्रीसिंग करने वाले हैं। तो दीप्ति घी की ग्रीसिंग इसमें कर देगी, और जब हम इन मोमोज को इसके ऊपर रखेंगे तो उसको भी हल्का हल्का ग्रीस कर देंगे और फिर स्टीम कर लेंगे। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी। अगल बगल भी लगाना पड़ता है कि इसमें लगा दो हल्का सा तो, और आरुष भी हमारा उठ गया यार, इसके थोड़ा जुकाम हो गया आज बहुत ज्यादा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और कल्ली देखो, नीचे देखो एली को, ये देखो एली को दिखाओ जरा, ये देखो एली कहाँ से उठ के आई है भाई, सो सुहा के हैं पूरे दिन, कहीं नजर नहीं आ रही। अब आइए नजर, जब मोमोज बनने वाले आए, चलो सबको नमस्ते कर दो, नमस्ते, गुड गर्ल, वेरी नाइस। चलो यार इसको मोमोज को अभी स्टीम करते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको सुंदर सुंदर मोमोज। तो मोमोज हमारे चढ़ चुके हैं और ढक्कन भी लग चुका है यार, तो सुपर एक्साइटेड है सभी, है भाई तू भी है सुपर एक्साइटेड मोमोज खाने के लिए, सो के उठ गया तू भी अब, है सही है। और दीप्ति तू भी है सुपर एक्साइटेड या नहीं? ठीक है। सुपर एक्साइटेड कौन है मैं बताता हूँ भाई, ये है भाई सुपर एक्साइटेड, सबसे ज्यादा ये है सुपर एक्साइटेड। हाँ भाई तू है ना सुपर एक्साइटेड मोमोज खाने के लिए, मोमोज की दीवानी हूं, मोमोज की दीवानी। और ये कह रही है कम से कम 25-30 मोमो तो मुझे दे दो खाने के लिए। ये देखो इसको, आई एम ए डिस्को डांसर टेटेटेणी, ये देखो आई एम ए डिस्को डांसर टेटेटेणी, ये भाई डिस्को डिस्को डांसर है ये, हैं ये एली डिस्को डांसर है, ये डिस्को डांस कर रही है और डांट खाएगी देखो, डांस डांस नहीं सुनेगी, नहीं तेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनेगी, कुछ भी हो जाए हैं। एली का खाना खा ले। हाँ भाई इसमें तो बहुत ही वो करती है ये, आरुष एली का खाना खा ले, ये देखो देखो कैसे भाग के आई है, आरुष एली का खाना खा ले, बहुत ही सही, ये देखो कैसे करती है। फुल लोन तेज है भाई ये, फुल लोन इसे सीधा मत समझना बिल्कुल भी। आरुष को बोलते हैं ना हम कभी कि भी इसके खाने पे थोड़ा ये कर गुर गुर करने का, काटती नहीं है लेकिन हाँ उसको वो रहती है कि नहीं, फिर उसने वो खाना खा लेती, खाना खा लेती है उसमें, राइट राइट, खाना खा लेगा राइट। अरे फॉग आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब प्रक्रिया सही चल रही है अपनी, है नहीं? सही है यार, गुड गुड, हाँ सही है। तो फ्रेंड्स हमारे मोमोज हो चुके हैं तैयार, ये देखो, और एक मैं टेस्ट ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, ये देखो हम स्टफिंग दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या मज़ेदार स्टफिंग लग रही है, गर्मा गर्म, बहुत गर्म है यार, ओ हो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और एक मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, तो तू भी खा चुका है, तू बता कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी, सही लग रहा है ना, मतलब मैदे से अच्छा है कि हम इस टाइप का बनाएं घर पे और इस टाइप से खाएं, तो काफ़ी सही है। एक मैंने भी खा के देखा, तो चटनी के साथ वाकई में यार कोदे के आटे के मोमोज बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यार, आप लोग भी बनाएं और खाएं, और अगर आ सकते हो तो हमारे साथ खाएं, तो आप खाओ हीरो। तो खाना पीना अपना हो चुका है यार, अब बैठ गए हम लोग मूवी देखने के लिए, है जी,
सारे के सारे जेलर मूवी देखने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। तो अब देखते हैं मूवी और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।